आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। जो दूसरी रियासतों से तेलंगाना में आए हुए हैं, उन मज़दूरों को पुलिस की जानिब से पास दिए जाने के बावजूद उन्हें अपने मुकाम जाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब भी बड़ी तादाद में ये लोग रियासत तेलंगाना में मौजूद हैं। ये लोग उन्हें उनके मुकामात भेजने के लिए हुकूमत से इकदाम करने की अपील कर रहे हैं। वहीं तेलंगाना भर में अब भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल जारी है और लोगों को अपने घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है, और घरों में रहते हुए आवाम की जानिब से भी पुलिस का भरपूर साथ दिया जा रहा है। उम्मीद है जल्दी ही मुल्क भर से लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। आइए अब शुरुआत करते हैं खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामोफोबिया के खिलाफ यूएई की एक और कार्रवाई, नफरत फैलाने वाले 3 भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया। सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान, मजदूरों के रेलवे सफर का खर्च उठाएगी सरकार। पीएम केयर फंड में रेलवे करेगी करोड़ों रुपए डोनेट, उठे सवाल। लॉकडाउन में मीडिया के रोल की फॉर्मर एमपी अजीज पाशा ने की सताइश। जर्नलिस्ट खासकर उर्दू सहाफियों को दीगर कोरोना वॉरियर्स की तर्ज पर स्पेशल पैकेज देने का मुतालबा। तेलंगाना भर में मौजूद माइग्रेंट लेबर्स आबाई मुकाम जाने तैयार, पुलिस स्टेशन के पास लेबर्स का हुजूम, जारी किए जा रहे हैं पास। गरीबों की मदद के लिए आगे आए अहले खैर हजरात, हैदराबाद के मारूफ आलिम दीन मौलाना जाफर पाशा ने की अपील। एपी में खोल दी गई शराब की दुकानात, तमिलनाडु से चला आया लोगों का हुजूम, सरहद पर कशीदगी, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां।